महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुरोध पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने बासमती चावल पर निर्यात शुल्क माफ करने का फैसला किया है। बासमती चावल के निर्यात पर लगी न्यूनतम मूल्य सीमा को हटाकर सरकार ने किसानों और निर्यातकों को राहत दी है। दरअसल किसानों की आमदनी बढ़ाने और देश के कृषि उत्पादकों को वैश्विक बाजार में और मजबूती दिलाने के लिए मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि केंद्र के इस फैसले से महाराष्ट्र के किसानों को भी फायदा होगा। बासमती उत्पादकों को केंद्र सरकार से राहत, किसानों के हित में केंद्र सरकार के फैसले, बासमती चावल निर्यातकों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने सोयाबीन और प्याज उत्पादक किसानों को लेकर बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन अब इसके साथ ही एक अहम फैसला लिया गया है जो बासमती चावल का निर्यात करने वाले किसानों के लिए फायदेमंद है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध का सम्मान करते हुए बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य को भी पूरी तरह से वापस ले लिया है। इसलिए बासमती चावल उगाने वाले किसानों को भी इससे फायदा होगा, साथ ही इससे जीआई टैग वाले बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा मिल सकेगा। मैं भारत सरकार का बहुत अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि भारत सरकार ने जो तेल आयात होता है उसके ऊपर कच्चे तेल पर 20% और रिफाइंड पर 12.5 से 32.5% बढ़ाकर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है। इसके कारण सोयाबीन के जो हमारे किसान हैं वो सीधे लाभान्वित होने वाले हैं और बड़े पैमाने पर सोयाबीन का जो भाव है वो किसानों को बढ़कर मिलने वाला है। साथ साथ हमारे केंद्र सरकार ने दूसरा जो निर्णय लिया है, प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस समाप्त कर दी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी 40 से 20 तक उन्होंने लाई है। इसके कारण प्याज का किसान भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होगा और साथ में जो बासमती राइस है उस बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट की परमिशन तो थी ही, लेकिन उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसको जीरो कर दिया है। इसलिए हमारा जो धान का किसान है उसको भी इसमें बड़ा फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर किसानों को एक बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।